बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ कि आज की जो रेसिपी मैंने बच्चों बड़ों की फेवरेट बनाई है वो सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हुई, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बना के दिखाया जाए कि ये कितने मिनट में बन के तैयार होती है। तो आज की रेसिपी हम आलू से बनाएंगे, जो कि मैंने बड़े बड़े आलू ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से धो के छील लिया है। अब एक कद्दूकस लेंगे और इसमें कई खाने हैं जिनसे हम कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैं सबसे बड़े वाला जो क्रशर है उसको यूज़ करूँगी, क्योंकि आलू के क्रश करना हमें बड़े साइज में है। तो यहाँ पे एक आलू ले लिया है, इसको हल्के हाथों से हम इस तरीके से चलाते जाएंगे तो ये अपने आप क्रश होते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे फटाफट आलू क्रश हो जाते हैं इससे और बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आते हैं। अब आलू काले ना पड़े इसलिए मैंने इसको ठंडे पानी में डाल के रखा था, और इसको अच्छे से ऐसे हाथों से चला चला के धुलेंगे ताकि इसका जो स्टार्च होगा वो बाहर निकल जाएगा और एकदम सफ़ेद आलू निकलेंगे। और इसके पानी को हाथों से बार बार निचोड़ के, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, निचोड़ के इसको निकालेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस करने के लिए 3 आलू लिए हैं, मतलब 500 ग्राम के करीब, और ये 2 लोगों के लिए बहुत ही इनफ नाश्ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पानी मैंने निथार लिया है, तो ये आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए। अब 1 कप लेंगे यहाँ पे मैदा, मतलब 1 कप का मतलब है 2 बड़े चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आधा चम्मच मैंने और ऐड कर दिया। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, टोटल 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप जैसा भी पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिए। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे, और फिर इसमें हम स्पेशला से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें नमक, जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाए। और हाँ फ्रेंड, इस स्टेज पे आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें इतना ऑलरेडी नमक पड़ने के बाद आलू से पानी निकलता है, अगर पानी डाल देंगे तो ये बहुत ही गीला हो जाएगा। तो ये देखो मैं आपको कैसे करके दिखा रही हूँ, और ये नाश्ता बनाने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाना बनाती हूँ। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी बनाती हूँ या घर का भी खाना बनाती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, और इसमें सिर्फ मसालों के नाम पे इतना ही पड़ेगा। अब हाथों में हम कर लेंगे अच्छे से तेल को ग्रीस, ताकि ये जब हम हाथ से बनाएं तो ये चिपके नहीं। अब हम एक मेजरमेंट के लिए एक छोटा सा बाउल लेंगे ताकि हमारे जो भी ये नाश्ता है एकदम परफेक्ट बराबर बने। तो चम्मच से उस मेजरमेंट कटोरी में हम डाल लेंगे कितना क्वांटिटी चाहिए, और फिर हम इसको जैसे दही बड़े बनते हैं या टिक्की बनती है या जो भी आपको शेप पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा सा लंबा रख रही हूँ और 4 कोने का बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है, और बच्चों के साथ तो ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अब मैंने पहले से ही प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था जिससे कि ये चिपके नहीं, और स्पैचुला से मदद से इनको अच्छे से हम सेट कर देंगे, एकदम बराबर परफेक्ट बना के तैयार करेंगे। तो देखिए ऊपर से मैंने चिकना कर दिया है इसको, और यहाँ पे इसको रखने के बाद बाकी के भी इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो थोड़ी देर आप इसको 10 से 15 मिनट फ्रीजर में डाल के रख दीजिए या फ्रिज में, तो ये कैसे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये अच्छे से बनके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। मैंने तो नहीं रखा क्योंकि मेरे घर में बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी, और ये मैंने शाम के नाश्ते में बनाया था। तो इस तरीके से जब पैन हो या कढ़ाई, उसमें अच्छे से तेल गरम हो जाएगा, तेल मीडियम नहीं चाहिए, एकदम हाई फ्लेम में गरम हो तभी आप डालिए, नहीं तो फिर कैसा होगा, आलू आपके फट फट के निकलने लगेंगे, फिर बोलेंगे कि अर्चना ने कैसा नाश्ता बताया है, ये तो फट फट के निकलता है, ये सब वीडियो में ही अच्छा दिखता है, रियल में अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है लो, और लो फ्लेम में हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे हिसाब से
से कलर इसका नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम गोल्डन कलर का हो गया है और ये बाहर से बहुत सख्त और बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। तो अभी इसको दूसरे साइड में पलट देंगे और फिर सेम यही कलर आने तक वेट करेंगे। तब तक हम इसके साथ खाने के लिए एक सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने मेयोनीज डाला है और ये देखिए मेरे पास फ्रिज में चीज़ सॉस पड़ा हुआ था, पिछले हफ्ते ही मैं मार्केट से लेके आई थी, तो 1 चम्मच उसको भी डाल देंगे। अब चम्मच लेने में मुझे हो रही है इतनी तकलीफ, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। तब तक देखा तो हमारे आलू नीचे के साइड में भी अच्छे से पक गए, तो मैंने सोचा ये जलने ना लगे तो सॉस बाद में बनाते हैं, पहले इनको निकाल के थोड़ा सा इनका तेल जो है वो रिलीज हो जाएगा और थोड़े से ये ठंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि गर्म ना गर्म अगर हम खाएंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा और बच्चों के साथ तो ये जरूर ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए सुपर क्रंची और सुपर डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा शाम का पैनकेक बोल लीजिए, नाश्ता बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं तैयार है। तो ये सॉस बनाने के लिए मैंने थोड़े जलपेनियो लिए हैं 2 टुकड़े, थोड़े ऑलिव्स लिए हैं ग्रीन वाले, और थोड़े मतलब 2 पीस मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। अब इनको इस तरीके से एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे, एकदम छोटा छोटा कट करना है ताकि ये मुंह में बहुत ज़्यादा च्यू ना करना पड़े, क्योंकि जब भी हम कोई सॉस बनाते हैं तो इस तरीके से ही कट करते हैं ताकि ये अच्छे से टेस्टी भी लगे और ज़्यादा मुँह में नहीं आए। तो देखिए मैं कितना छोटा छोटा इसको बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको मैश करके भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस सॉस में टेस्टी लगता है और ख़ास करके इस नाश्ते के साथ ये सॉस भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मेरा चैनल ट्रेंडिंग में चला जाए, मेरा ये वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाए, और फिर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर इसी तरीके से बच्चों के नाश्ते की, टिफिन बॉक्स की, या कोई भी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो रेसिपी खाने से पहले, इंजॉय करने से पहले, बनाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पे ये रहा मेरा सॉस और ये रहा मेरा नाश्ता। तो मैंने तो अपने बच्चों की प्लेट लगा ली है, अब उनको शाम के नाश्ते में इतना ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ये वाला नाश्ता। तो आप भी अपने बच्चों के लिए या कोई भी दोस्त आता है या टिफिन बॉक्स के लिए ये आलू से बना हुआ नाश्ता आप बनाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि इस नाश्ते को आपने कैसे बनाया और कैसा बना, और नाश्ते के साथ साथ ये सॉस आपको कैसा लगा। तो मैंने खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।